सो आज का वीडियो है दार्जिलिंग को लेके। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं ना चीपेस्ट वे और वहां क्या क्या एक्टिविटीज़ है करने के लिए। सो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल स्टेट का एक पार्ट है। ये इंडिया का एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये एक हिली एरिया है एंड इज़ फेमस फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ टी एज वेल एज इट्स अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल माउंटेन व्यूज़। आप दार्जिलिंग दो तरीकों से जा सकते हैं, एक है बाई फ्लाइट और दूसरा है बाई ट्रेन। दार्जिलिंग से सबसे क्लोजेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट, जो दार्जिलिंग से 70 किलोमीटर्स दूर है। एयरपोर्ट के बाहर से आपको टैक्सी, बसेस या कैब्स बड़े आराम से मिल जाएंगे, या फिर आप वो फेमस टॉय ट्रेन ट्रिप भी ले सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 2 hours 45 minutes का जर्नी होगा। आपको बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट्स कहीं से भी मिल जाएंगे। ये था फ़्लाइट्स के थ्रू जाना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप ट्रेन के थ्रू कैसे जा सकते हैं। दार्जिलिंग में लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे अवेलेबल नहीं है। इसके सबसे क्लोजेस्ट रेलवे है जलपाईगुड़ी में, जो 62 किलोमीटर्स दूर है दार्जिलिंग से। रेलवे स्टेशन के बाहर से भी आपको कैब्स या पब्लिक बसेस या टॉय ट्रेन्स वगैरह बड़े आराम से मिल जाएंगे दार्जिलिंग के लिए। सो ये था कि आप दार्जिलिंग कैसे पहुँच सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 5 चीपेस्ट विद बेस्ट रिव्यूज होटल्स टू स्टे इन दार्जिलिंग। नंबर 1 है जगजीत युमा होटल। ये एक 3-star होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 990 rupees के आसपास फॉर 2 persons। ये महाकाल मंदिर से 900 मीटर्स दूर है। इसमें आपको 24 आवर्स रूम सर्विस, लॉन्ड्री सर्विस, रेस्टोरेंट्स एंड फ्री वाईफाई जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। सेकेंड होटल है होटल पाइनवुड। ये भी एक 3-star होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 1,140 rupees के आसपास फॉर 2 persons। यहाँ आपको रूम सर्विस, लॉन्ड्री सर्विस और फ्री वाईफाई जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। इस होटल का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। थर्ड होटल है जगजीत हिमालयन रिट्रीट। ये भी एक 3-star होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 1,650 rupees के आसपास फॉर 2 persons। ये महाकाल मंदिर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ भी आपको लॉन्ड्री सर्विस, फ्री वाईफाई और रूम सर्विस जैसी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, पर यहाँ पे वाईफाई सिर्फ कॉमन रूम में है। फोर्थ होटल है आरजे रिसॉर्ट्स। ये एक 4-star रिसॉर्ट है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 3,800 rupees के आसपास फॉर 2 persons। ये भी महाकाल मंदिर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ आपको फ्री वाईफाई, कॉन्फ्रेंस रूम, 24 आवर्स रूम सर्विस, स्पा, अ जिम एंड लॉन्ड्री सर्विस जैसी लग्जरियस फैसिलिटीज मिल जाएंगे। फिफ्थ होटल है स्टर्लिंग दार्जिलिंग। ये भी एक 4-star होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 4,800 rupees के आसपास फॉर 2 persons। यहाँ भी आपको फ्री वाईफाई, कॉन्फ्रेंस रूम, 24 आवर्स रूम सर्विस, रेस्टोरेंट्स, लॉन्ड्री सर्विस, स्पा एंड अ जिम जैसी लग्जरियस फैसिलिटीज मिल जाएंगे। इन सभी होटल्स का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। सो ये था लिस्ट ऑफ टॉप 5 होटल्स। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 10 थिंग्स टू डू इन दार्जिलिंग। नंबर 1 है टाइगर हिल। दार्जिलिंग का ट्रिप अधूरा है अगर आपने टाइगर हिल को एक्सप्लोर नहीं किया है तो। ये हिल फेमस है अपने ब्यूटीफुल कलर्स के लिए जो रिफ्लेक्ट करता है सनराइज के टाइम। ये दार्जिलिंग का एक बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है और दार्जिलिंग के मेन टाउन से 11 किलोमीटर दूर है। नंबर 2 है डोर्स। दार्जिलिंग वर्ल्ड फेमस है अपने ब्यूटीफुल और नेचुरल टी गार्डन्स के लिए और सबसे फेमस है डोर्स टी गार्डन इन दार्जिलिंग, जो हर साल लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है फ्रॉम इंडिया एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड। नंबर 3 है बतासिया लूप। ये एक हिस्टोरिकल और दार्जिलिंग का बहुत फेमस साइट सीइंग प्लेस है। दिस प्लेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द मेमोरीज ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स फ्रॉम World War I and World War II। ये बेसिकली एक रेलवे लाइन लूप है जिसे काफी अच्छे से सजाया गया है फॉर टूरिस्ट। नंबर 4 है हैप्पी वैली टी स्टेट। ये पूरे दार्जिलिंग का सेकेंड ओल्डेस्ट टी गार्डन है और ये एक बहुत ही बड़ा गार्डन है जो विजिटर्स को एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू देता है। ये गार्डन दार्जिलिंग से 3 kilometers नॉर्थ में लोकेटेड है। यहाँ मोर देन 1500 एम्प्लॉयज है। नंबर 5 है रंजीत वैली रोपवे। दार्जिलिंग के ब्यूटी को देखने का एक बेस्ट तरीका है रोपवे के थ्रू। ये एक 45 मिनट्स का केबल राइड होगा बिटवीन सिंगामोरी एंड सिंगला बाजार, जो 8 किलोमीटर का रास्ता है। बीच में और भी बहुत सारे स्टॉप्स हैं जहाँ पे आप उतर सकते हैं। 6th है पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क। ये दार्जिलिंग का सबसे बड़ा और सबसे फेमस जू है। ये जू पार्क इंडिया का सबसे बड़ा हाई एल्टीट्यूड जू है। यहाँ हर साल मोर देन 3 lakh टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन वुल्व्स और पांडा जैसे फेमस एनिमल्स है एक्सप्लोर करने के लिए। 7th है महाकाल मंदिर। ये एक पवित्र हिंदू टेम्पल है जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ये मंदिर ऑब्जर्वेटरी हिल के ऊपर बना हुआ है और ये 1782 में बनाया गया था, पर फिर इसे डिस्ट्रॉय करके रिबिल्ड किया गया था 1861 में। नंबर 8 है श्रूबेरी नाइटेंगल पार्क। ये दार्जिलिंग का एक बहुत फेमस पब्लिक पार्क है। ये दार्जिलिंग के रिचमोंड हिल एरिया में लोकेटेड है।
ये एक बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आपको यहाँ पर ब्यूटीफुल स्नो पीक्स मिल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, और रोज़ शाम को यहाँ पर एक नेपाली कल्चरल प्रोग्राम भी होता है। नंबर 9 है डाली मोनेस्ट्री। ये एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट मंदिर है। ये दार्जिलिंग के मेन सिटी से 5 किलोमीटर्स दूर है। ये एक पीसफुल और रिलैक्सिंग प्लेस है फॉर वर्शिपिंग। ये एक बहुत रिलीजियस और ब्यूटीफुल प्लेस है और रोज़ खुला रहता है जनरल पब्लिक के लिए। नंबर 10 है पीस पगोडा। ये भी दार्जिलिंग का एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट मंदिर है। ये दार्जिलिंग के मेन टाउन में लोकेटेड है। ये भी एक बहुत शांत और रिलीजियस जगह है और ये रोज़ खुला रहता है। सो ये था लिस्ट ऑफ टॉप 10 थिंग्स टू डू इन दार्जिलिंग। और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप दार्जिलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और भी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय एंड एंजॉय योर जर्नी।